क्लीन कर देना है। ये देखिए साफ। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल साफ हो गया। अब इसे हम वॉश करके रख देंगे। वॉश करके और इसे बिल्कुल क्लीन ड्राई करके इसको रख देंगे। काला वाला इसको भी हम रगड़ के साफ करेंगे। गीला कपड़ा करके और बस रब करते रहिए जिसको भी आपको साफ करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन क्वार्टर कप ऑयल जिसको मैंने फ्लेम हल्की कर रखी है। इस टाइम एक कप डाल देंगे मूंग बड़ी और स्लो फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा और निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हाई दो फ्लेम जो है हाई नहीं करेगा, लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है क्योंकि बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। बस लाइट ब्राउन होते ही निकाल लेंगे। कलर आ गया है हम निकाल रहे हैं इसे। हमने निकाल लिया है एक बर्तन में। अब जो ऑयल है बचा हुआ जला दीजिए। इसी ऑयल में हमें डालनी है पिसी हुई प्याज जो के लिए मैंने एक आधा कप ली है। एक बड़े साइज की प्याज लेके मैंने उसे पीस लिया था वो डाल देंगे। उसके साथ ही हम डालेंगे जीरा हाफ टीजी स्पून। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। वन टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 kg हम डालेंगे अदरक का पेस्ट। सब चीज़ों को अब डाल रहे हैं हम एक मीडियम साइज़ की एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया है चॉप कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसको अच्छे से भूनेंगे। 1 tsp धनिया पाउडर, 1 tsp रेड चिली पाउडर, 1/2 tsp हल्दी, 1 and 1/2 tsp सॉल्ट। वो अच्छे से मिक्स करके मसाला भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। कंटिन्यूसली थोड़ी देर बाद इसको चलाते हुए मसाला भूनना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम डाल रहे हैं बढ़िया हमने फ्राई की थी और साथ ही में एक बड़े साइज का आलू या 2 टुकड़े ले लीजिए तो मैंने क्यूब्स में काट रखा है और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पानी डालेंगे आलू गल जाए नहीं पानी डालना है। एक गिलास पानी डाल दिया मैंने इसमें और एक बॉयल आने के बाद इसको ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ताकि आलू जो है अच्छे से गल जाए और बढ़िया भी उसके साथ ही गल जाएंगे।
बॉईल आ गया है, इसे ढककर और छोड़ दीजिए लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स आलू गल गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और साथ ही में कटा हुआ हरा धनिया पुदीना और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। बिल्कुल रेडी है आलू और मूंग दाल वड़ियों की ये जबरदस्त सी सब्जी।